तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक इन माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ आज के ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह का टाइम है, अभी 7:15 हो रहा है और मैं नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं जाना चाहता हूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि घूमने थोड़ा बाहर का व्यू लेते हैं और आज का डेली व्लॉग बनाते हैं। कल है, मम्मी का हाथ जल गया था अभी तवे से। मम्मी कुछ होता नहीं, दिखाओ, पानी डाल लो हाथ में। ये मम्मी का हाथ देखिए जल गया थोड़ा सा। तो क्या, तो देखिए दोनों सास बहू बना रहे हैं रोटी। तो मम्मी कह की रोटी बना रही हो गया, मम्मी बना रही है जवाहर की रोटी सूरज के लिए और कविता बना रही है गेहूं की रोटी। देखिए रोटी बनाने का सिलसिला शुरू है सुबह से। सुबह हुई नहीं कि इन लोगों का रोटी बनाना शुरू हो जाता है। और चलिए ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अब हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो चलिए गाइस, मैं अब आ चुका हूँ बाहर और बाहर का एटमॉस्फेयर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है। देखिए बाहर का लुक, और तेज धूप आई हुई है देखिए बाहर, और पिंक कलर के कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। यह बच्चों के लिए बनाया गया है ट्राई एंगल पार्क। फुल रन जा रही है। गाइस मॉर्निंग वॉक में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आज, क्योंकि देखिए मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। मॉर्निंग वॉक करके बॉडी फिट रहती है और आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप पूरी बॉडी को एक्सरसाइज दे रहे हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मॉर्निंग वॉक का, आप लोग भी किया कीजिए। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, स्वामी कैंसर चिकित्सालय। मैं पहुंच चुका हूं रामपुर रोड में, जिसे चुंगी भी कहा जाता है। देखिए घोड़ा गाड़ी में आप बैठे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखिए पेट्रोलियम का, यह रामपुर रोड चौराहा, जिसे चुंगी भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है गाइस, तो मुझे लगता है कि उसी रास्ते जाना बेहतर रहेगा जहाँ से मैं आया था। तो चलिए उसी रास्ते वापस जाते हैं। तो मैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आईटीआई की तरफ। तो आपको दिखाते हैं आईटीआई कार्य योजना का ऑफिस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आईटीआई। तो गाइस देखिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा नाला टाइप का है, रिटन इंस्टीट्यूट यहाँ का। मैंने इसी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। आगे है एक टेंपल, देखिए कितना ब्यूटीफुल टेंपल है गाइस, कितना प्यारा मंदिर, सुंदर मंदिर है। एक बंदर भी है, बहुत ही प्यारा मंदिर है गाइस। बहुत ही बड़ा बैंकेट हॉल है यहाँ पर, ये देखिए कांता बैंकेट हॉल, जहाँ वीआईपी शादियाँ होती हैं। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं आईटीआई ऑफिस के सामने। देखिए गाइस कितना बड़ा है आईटीआई ऑफिस, कार्य योजना का
ऑफिस है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, हल्द्वानी आईटीआई ऑफिस देख सकते हैं कितना प्यारा है। आईटीआई ऑफिस तो देख ही लिया, तो चलिए तो ये देखिए ये है क्रियाशाला मुखानी हल्द्वानी, बहुत ही बड़ा मंदिर टाइप का है ये। तो अब मैं निकल पड़ा हूँ वापस घर के लिए, जाता हूँ घर की तरफ क्योंकि आज मॉर्निंग वॉक थोड़ा ज्यादा हो गई इसलिए बहुत ज्यादा थकान लगी हुई है, घर जाके थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो चलिए घर को। फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं घर। हो रहे हैं ऑफिस को तैयार, हेलो बोलो कविता, हेलो बोलो। आज का व्लॉग बहुत लंबा बन गया, ये आईटीआई रोड तक गया था यार घूमने। लाइट क्यों बंद कर रहे हो, लाइट क्यों बंद कर रहे हो, अंधेरा हो रहा है देख नहीं रहे हो। ये देखो तो नाश्ता पानी हो गया, बन गया, क्या बनाया आज नाश्ते में, रोटी सब्जी, सब्जी क्या की कविता, क्या की सब्जी आज। ओ, कविता ने फोन फेंक दिया पैर से, तो कविता हाथ दो, हाथ में ला लो, सॉरी कविता का पैर दब गया मेरे से, सॉरी कविता क्या हुआ पैर में, सॉरी। अरे पता क्या यार, सॉरी ना थोड़ा, देखो कविता का जो फेस है ना मेरे पूरे हाथ में आ जाता है, देखो इतना छोटा है, ये देखो पूरा मुंह आ गया ना हाथ में, देख सकते हैं गाइज आप, ये मेरा हाथ इतना बड़ा है कि कविता का पूरा फेस कवर कर दिया मैंने ये। तो गाइज देखिए अब मैं मॉर्निंग वॉक करके आ चुका हूँ और अब मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, हमारा ब्लॉग 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है, तो इसीलिए देखिएगा। अब देखिए ब्रेकफास्ट तो क्या, मैं सुबह ही खाना खा के ऑफिस चले जाता हूँ क्योंकि दिन में फिर उसके बाद खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि वहाँ लंच टाइम का हमें टाइम भी नहीं मिलता है, इसीलिए अभी मैं जो है दाल भात खा जाता हूँ जिससे कि मुझे फिर दिन भर भूख नहीं लगती है, फिर मैं शाम को खाना खाता हूँ। तो कविता डाल दिए दाल भात, देखिए दाल भात, कविता इधर देख दे, हेलो यहाँ देखो, कविता परोस दिए दाल भात। भाई जब मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ब्रेकफास्ट या डिनर आप इससे नहीं, सॉरी ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी कर सकते हैं, ये है तैयार, अब मैं खा रहा हूँ और हाँ इसको नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए सब्जी है, दाल भात है, ज्वार की रोटी भी है और चलिए खाना शुरू करते हैं गाइज। तो दोस्तों अब मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट या लंच जो भी कहेंगे, क्योंकि मैं लंच ही कर लेता हूँ सुबह, फिर सभी खा लेते हैं, फिर उसके बाद शाम को कहाँ हो पाता है खाना दिन के टाइम में, है ना। तो गाइज फाइनली ऑफिस के लिए हो चुका हूँ तैयार, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस को, फिर ऑफिस से आने के बाद मिलता हूँ आपसे, ऐसे देखते रहिएगा हमारे ब्लॉग को। नाश्ता पानी कर लिया है मैंने, अब प्रॉपरली हो चुका हूँ ऑफिस को तैयार, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, इसी तरह आते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कुछ टाइम बाद ऑफिस से आने के बाद, तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में, थैंक यू। तो अब मैं ऑफिस से घर आ गया हूँ और ये देखिए कविता, हेलो बोलो, हेलो बोलो। हाँ तो अभी हो रही है शाम और खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है हमारी, और ये कविता खाना बना रही है अभी, चलो कविता बनाते हैं मिलके खाना, चलो चले।
दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को करें लाइक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।